अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप ग्लैमर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो एक्चुअली में बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है और बहुत मजे की भी है, बिकॉज मेरी तो वेरी फेवरेट है। बिकॉज के आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ग्लिटर्स, ठीक है, उनकी कुछ फॉर्म्स और ऐसे ग्लिटर्स जो आप ना सिर्फ आई मेकअप के लिए यूज कर सकते हैं, बल्कि आप उनको नेल आर्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो अब नेक्स्ट जो मैं नेल आर्ट की वीडियोस भी बनाऊंगी, तो मैं आई कोशिश करूंगी कि मैं उनमें वो जो अपने ग्लिटर्स हैं उनको भी यूज करूं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं ग्लिटर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये ग्लिटर्स, ये मैंने आप मेरा ख्याल है शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया था। ये देखिए इस तरह के चंक्स हैं, मैं आज सारी वीडियो ही चंकी ग्लिटर्स के बारे में ही बनाऊंगी। देखिए कितने प्यारे हैं ये आपको मार्केट से वैसे आराम से मिल भी जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इनके बारे में सारा जानना चाहते हैं ना वीडियो के बारे में, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर लो जी लाइक, ठीक है, ताकि आपके लिए पास बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आ सके। ले जनाब, अच्छा जी, ये आप चंक्स देख सकते हो, मैं थोड़े से उठाऊं, ये देखो, ठीक है, इस तरह की ये नेल आर्ट पे भी हम लगाएंगे और लगा सकते भी हैं, और इसके अलावा हम इसको आई मेकअप के लिए भी जो है ना वो यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा आई मेकअप के मेकअप पर भी ये बहुत ही जबरदस्त लगते हैं जी। अब मैं यहाँ पर सारे ही ग्लिटर्स आपके सामने ओपन भी करूंगी और सारे ही दिखाऊंगी। पहले तो कहीं गिर गिरा ना जाए, नहीं तो सारा अच्छा। पहले तो मैं यहाँ पर एक लाइन बना देती हूँ कि कौन कौन से ग्लिटर्स हैं। ये देखिए, ये हर कलर में आपको मिल जाएंगे, गोल्डन में, ग्रीन में, ये रेड में, ठीक है, देन मल्टी कलर और गोल्डन। ये बहुत ही जबरदस्त कलर सा कलर है, मैं थोड़ा सा आपको कैमरे के पास दिखाती हूँ। ये देखो भाई, आई लव दिस, सो वाओ, ये बहुत खूबसूरत है। इसको नील आर्ट पर लगाएंगे ना तो चमचमा जाएगा, और अगर आईज पर भी इसको लगाएंगे, वो ज्यादा नहीं लगाते, इसको थोड़ा सा लगाते हैं, और क्रिएटिव लुक्स में तो ये बहुत ही जबरदस्त लगता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये देखो जी, पर्पल और इसमें ग्रीन, और ये बहुत मिक्सअप, यानी इस तरह के जो मल्टी शेड में होते हैं ना, ये तो भी बहुत ही जबरदस्त लगते हैं और ये हर लुक को इनहेंस कर देते हैं। और वैसे भी जैसा कि आजकल जो है ना वो काफी फैंसी फैंसी टाइप का एक दौर है, तो इस वजह से इसमें इस तरह का मेकअप वाह बहुत ही अच्छा लगता है। और ये पिंक देखो यार, वाह जानलेवा है, इसमें ग्रीन एंड व्हाइट का जो है ना वो आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो शिमर में है ना, बहुत ही जबरदस्त है। आई लुक और नेल आर्ट तो ये मैं कहती हूँ फना कर देने वाला, मैं जरूर इनको अप्लाई करूंगी नेक्स्ट अपनी नेल आर्ट की वीडियोस में, और आपको बताऊंगी किस तरह से करना है, वो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये देखो जी फ्रोजी कलर, हर कलर ही बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, और भाई मुझे तो ये बहुत पसंद है। ये मैंने वैसे मार्केट से बाय किए हैं, ठीक है, और इस तरह से आपको ये ऑनलाइन भी वैसे मिल जाते हैं, तो आप कोशिश करें मार्केट से बाय कर लो, क्योंकि मार्केट से आपको आपको पता है सस्ते भी मिल जाते हैं। मेरा ख्याल ये कोई 80 रुपए की शायद, यहाँ पता नहीं है, पता नहीं, मुझे याद नहीं इसकी कॉस्ट कितनी है, शायद 100 या प्लस, आई डोंट नो एग्जैक्टली, नहीं मुझे याद, तो इतनी तो होगी, ठीक है, हर जो एक ग्लिटर है आई थिंक 100+ होगी लाजमी अब तो, क्योंकि महंगी अब तो सारी मेकअप की प्रोडक्ट्स ही काफी महंगी हो चुकी हैं। तो ये फ्रोजी ब्लू, यानी इस तरह से देखिए सारे ही कलर्स हैं, और ये देखो जी ये पर्पल और ये मैरूनिश कलर है, वाव कितना खूबसूरत है यार, ओह बहुत ही अच्छे हैं ये, मुझे ग्लिटर्स पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये तो जी ये कुछ ग्लिटर्स हैं जो आपने देखे भी होंगे। अब कुछ ऐसे ग्लिटर्स हैं वो भी आपने देखे होंगे, लेकिन ये जो ग्लिटर्स है ना, ये एक्चुअली में ना प्रोफेशनली यूज करते हैं हम लोग अपनी आई मेकअप के लिए भी, और ये जो है ना वो अपने नेल आर्ट के लिए भी। अभी मैं ये बॉक्सेस को ओपन करती हूँ। अच्छा, दरअसल ये ना उसकी सरफ टेप लगी हुई है, मुझे ओपन नहीं हो रहा, मैं उसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ किस तरह का है। और मैं वैसे एक आपको आइडिया दूं कि ये देखो जी ये इस तरह के हैं चंक्स, ये इस पर लगा भी हुआ है, और ये बहुत खूबसूरत लगता है जब हम नेल पर लगाएंगे ना, तो ये तो वाह वाह हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप मतलब बिगनर हैं, अगर आपके पास सिर्फ नेल पेंट्स हैं, ब्रशेज वाले नहीं है, आप इस तरह के ग्लिटर्स ले लो, वही अगर थोड़े से उठा लो चंक्स और इस पर थोड़े थोड़े मल्टी शेड में लगा लो, तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का आपका नेल आर्ट बन सकता है। ये 2 कलर्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट भी मैं आपको कलर्स दिखाती जाऊंगी, और इसके जो हैं ये बहुत ही खूबसूरत तरीन है, ये देखो पर्पल में, ठीक है, और ये मैंने ऑनलाइन खरीदा है, पेज में आपको ये जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा बता दूंगी। और ये तकरीबन मैंने सारे खरीदे हैं, मेरा ख्याल है 1500+ से, और बहुत ही जबरदस्त ये जो चंकी ग्लिटर्स हैं यार, आई लव दिस। और देखो हर एक दूसरे से डिफरेंट है, ये जो है ना आपको बड़े बड़े
जो होते हैं ना पेजेस जो कि यूएसए वगैरह के वहां से मतलब ये मतलब ज्यादातर लोग होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पाकिस्तानी एक पैसे मिले तो भाई मैंने तो उनके जितने उनके पास 13 थे आई थिंक मैंने सारे उठा लिए। मैंने कहा भाई मुझे तो सारे भेज दो। अब मैं अब और देखो हर कलर ही एक दूसरे से देखो डिफरेंट है और खूबसूरत है। मेरे पास मैंने तो सारी कलेक्शन ही जमा की हुई है इसकी, और इसको हम मेकअप में भी बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। और ये देखो ये फ्रोजी कलर मतलब ये देखो इन दोनों तरह का ग्लिटर्स को हम मिक्स एंड मैच करके इनको मैं ऐसे कर देती हूँ तो यूज कर सकते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि मुझे थोड़ा सा जूम करूँ मैं ताकि आपको थोड़ी समझ आए। ये देखो ठीक है, तो अब जो है ना नेक्स्ट मैं आपको कलर दिखाती हूँ, क्या ही बॉम कलर है ये देखो। इसमें मल्टी जो शेड है ना, ये देखो मल्टी वाला जो है ना, ये तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का है। ये देखो जी इसमें कितनी सारी शेडिंग है ना, और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये लगा हुआ भी, और ये नेल्स पर भी आफत लगेगा। ओके जी अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट भी ये देखें इसमें भी वही इस तरह से ये चेंज है, ये ब्लैक है इसमें और इसके जो है ना वो इन शेडिंग वही है लेकिन ये ब्लैक है ठीक है। और हार्ट जो है ना इस तरह का मल्टी शेड में है ये, और ये भाई मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। यकीन करें क्या कमाल के ये ना ग्लिटर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट ये है जी पीच और क्या है डार्क डल गोल्डन टाइप है ये से एक एक कलर का है, और बाकी जो है ना वो मल्टी कलर के तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें छोटे भी चंक्स हैं और बड़े भी हैं। अब ये ओपन हो तो मैं या खोल गया, ये देखो ये मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार, बहुत अच्छी है ये। मैं यकीन करो कि मुझे ना ये जो सारे ग्लिटर्स मैंने बाय किए हैं ना, मैं तो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं सारे के सारे, और इनसे जो लुक्स है ना वो भी बड़ी जबरदस्त क्रिएट होती है। और नेक्स्ट कलर दिखाती हूँ, ये देखो ये भी चंक्स में जो है ना वो, वाह जी वाह क्या बात है। तो कलर देखो कितना खूबसूरत है, शेड देखो कितना अच्छा है ठीक है। तो ये भी जो है ना बस क्या ही बताऊं, बड़े ही कमाल के सारे ग्लिटर्स हैं। अब नेक्स्ट भी जो कलर रह गए हैं वो भी मैं आपको ना ओपन करके दिखा रही हूँ। वाओ ये देखो इसमें भी शेडिंग वन शेड है लेकिन ये मतलब डबल शेड देगा एक वाला, लेकिन बाकी जो है ना मल्टी शेड वाले वो तो आपको फुल कलरफुल ही देंगे। लो जनाब तो एक आखिरी वाला रह गया था, ये देखो ये भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर है। बस ये भी एक रह गया था, ये मुंह उधर ही पड़ा रह गया गोल्डन ठीक है। और ये देखो जी पिंक और पर्पल का ब्लेंड है और इसमें व्हाइट शेडिंग आती है, शीशे की तरह चमकते हैं। अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ, ये रही देखो जी कितने प्यारे लगते हैं। और जब नेल्स पे या फिर मेकअप में यूज होने हैं ना तो ये कमाल के लगने हैं। वैसे इतने ज्यादा तो नहीं यूज होते, दो तीन चार मतलब इनाफ होते हैं तो, लेकिन ये है कि काफी अच्छा ये ना प्रोडक्ट है, ये काफी अच्छे ग्लिटर्स हैं तो जी मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। और ग्लिटर्स चंकी ग्लिटर्स में आपको पता है ये वाले जो मैं आपको अब दिखाने लगी हूँ ये तो आपको आराम से मार्केट से मिल जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही कमाल का ग्लिटर है। और देखो इसमें कितने सारे ना मल्टी मतलब आपके पास है फॉर्म में मतलब मल्टी शेड में, और ये भी तकरीबन 70-75 रुपए में मिल जाएगा आपको। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये बहुत मेकअप में ना बड़ा ही अच्छा लगता है और बहुत चमचमाता है, बहुत टमटमाता है जब लाइटिंग वगैरह हुई होती है ना, जब मेकअप हुआ होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह के ग्लिटर्स। और इस तरह के ग्लिटर्स वैसे हम ब्राइडल्स वगैरह पर इस्तेमाल करते हैं, वैसे आम भी मेकअप में अब तो यूज हो रहे हैं। तो ये भी जो ये वाले ग्लिटर्स जो हैं ये तो आपने देखे ही होंगे मार्केट में, ये भी जो है ना आराम से अवेलेबल हो जाते हैं, और ये भी नेल आर्ट में हम यूज कर सकते हैं। देन एक तो गोल्डन और देखो सिल्वर में भी मल्टी शेड है, नजर आ रहा है ठीक है। और ये भी बहुत ही खूबसूरत सा एक ग्लिटर है, मुझे ये बहुत पर्सनली अच्छे लगते हैं। तो ये तो थी जी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको ग्लिटर्स पर वीडियो अच्छी लगी तो हो तो मुझे जरूर बताइएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं और भी जो ये तो ग्लिटर्स वो हैं जो आप सीलर के साथ या गम के साथ जो कि हम आई लैशेज जिनके साथ पेस्ट करते हैं उनके साथ ही आराम से लग जाता है ठीक है ये सारा ग्लिटर। नहीं तो एक क्रिस्टीन का भी सीलर मतलब सीलर आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे, कोई सा भी आप बाय कर लें उसके बाद इसको अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छे आपके ग्लिटर्स जो है ना वो पैक हो जाएंगे आपकी आई पर। तो इससे आप क्या कर सकते हो अपनी आई मेकअप या फिर नेल आर्ट को और ज्यादा इन्हेंस कर सकते हैं ठीक है। ये तो था जी एक मेरी आज की वीडियो, कुछ आइडिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया अपना जो कुछ शॉपिंग ग्लिटर्स की जो मैंने आपको दिखाई, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो वही बात, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये ग्लिटर्स कैसे लगे ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट तक वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।